मान रही अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी डी स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका। कहता है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/2 और 16, 1/2 और 6 के दरमियान 4 जो है ना ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन 7.5 बढ़ी हुई है, इस तरह क्वेश्चन किए हैं सारे उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, लेट करते हैं सबसे पहले 4 ज्योमेट्रिक मीन जो है G1 G2 G3 G4 B4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 और 16। हमने लेट कर लिया कि G1 G2 G3 G4 ये 4 ज्योमेट्रिक मीन है 1/2 और 16 के दरमियान। तो यहाँ पर अगर ये लेट कर लिए तो हम कह सकते हैं कि 1/2 G1 G2 इसके दरमियान में है ना, G3 G4 और 16 आर इन GP। सिंपल मैं कह सकता हूँ कि 1/2 G1 G2 G3 G4 16 आ रहे हैं GP। ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गए, तो सिंपल हमारे पास इसमें फर्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो 1/2 है, और इसकी जो 6 टर्म है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टर्म A6 जो है वो 16 है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है जी R, क्योंकि हमने इधर फाइंड करना है G1 G2 G3 G4। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये 4 टर्म मानी, ये 3rd और ये 4 टर्म मान ली है, ठीक हो गया। हमने ये सारी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास कॉमन रेशो हो, कॉमन रेशो होगी तो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास A6 मौजूद है, तो इसी से हम फार्मूला देखें A6 से। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता था, A6 से AR5। तो यहाँ पर A6 जो है वो 16 है, और यहाँ पर फर्स्ट रेशो 1/2 है, और यहाँ पर R5 वैसे ही आ जाता है। ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया R5, तो ये आता 32R5, ठीक हो गया, ये आ गया। अब R5 को हम इधर लिख लेते हैं और 32 को दूसरी साइड पे। 32 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2^5। कैसे, 32 जो है इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो इसको 2 के साथ करते हैं, 2 1 2, असल 1 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 जो है वो 5 दफ़ा लिखा जा सकता है, 2 5 दफ़ा आ रहा है तो इसको 5 दफ़ा लिख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया R^5, और यहाँ पर आ गया 2^5। अब पावर इसकी 5, इसका 5th रूट अगर ले लें हम तो ये पावर ख़त्म हो जाएगा। R चाहिए, R हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे हम 5th रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर है R^5, और इसकी पावर 5th रूट क्या बनता है 1/5, और यहाँ पर 2^5, और इसकी पावर 1/5। 5 5 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो यहाँ पर जो R है वो क्या आ गया 2। कॉमन रेशियो आ गई, ए हमारे पास पहले मौजूद है फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ G1 G2 G3 और G4 फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं इधर लिखूँगा सिंपल नाओ G1 फाइंड करना है, तो वो सेकंड टर्म मान लिए, तो सेकंड टर्म को ज़ाहिर करते हैं A2 से, और A2 का फार्मूला है AR, और A हमारे पास क्या है जी 1/2, और R क्या है जी 2, 2 2 से कट गया, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो है G1 वो क्या आ गया 1, क्या आ गया जी 1, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है 1। नेक्स्ट G2, तो G2 हमारे पास है जी इसकी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारे पास A3 है, और A3 का फार्मूला है AR², और A हमारे पास क्या है जी 1/2 फर्स्ट टर्म, और R हमारे पास 2 है इसकी पावर 2, तो ये 1/2, और इसका स्क्वेयर करें तो 4 होता है, 2 1 2 2 2 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। लास्ट पे हमारे पास क्या फाइंड कर लिया G2, तो G2 जो है वो हमने फाइंड कर लिया 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं G3, तो G3 हम फाइंड करते हैं, तो G3 यहाँ पर 4th टर्म वो होता है A4, तो A4 का फार्मूला है AR³
और ए हमारे पास है 1/2 और आर हमारे पास है 2^3, तो 1/2 वैसे लिख लिया। और ए 2^3 से मुराद है 8, 2 2 4 4 2 8, ये 2 1 2 2 4 8, यहाँ पर G3 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4। नेक्स्ट हम G4 फाइंड करते हैं, तो उसका होता है वो हमारे पास फिफ्थ टर्म है, तो इसको लिखते हैं A5, तो आ जाएगा AR4। तो यहाँ पर जो A है वो 1/2 आता है और R जो है वो 2 आ गया उसकी पावर 4, तो हमारे पास आ गया 1/2 और 2^4 जो होता है वो होता है 16, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 1 2 2 8 16, तो ये आ गया 8। ठीक हो गया। 10 1 2 4 8 आर 4 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 16। तो ये 1/2 जो है इसके और 16 के दरमियान हमारे पास कितनी ज्योमेट्रिक मीन आई हैं, 1 2 3 4 4 आई हैं, 1 2 4 और 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।